हेलो गाइस, तो स्वागत है सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो आगे एक और नए वीडियो के साथ हम, तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बात किए हुए थे कि अपाचे नेटबीन्स का लेटेस्ट वर्जन आ गया है, तो उसको कैसे डाउनलोड करना है, फिर उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या था, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात किए हुए थे। तो चलिए, इसका जो लेटेस्ट वर्जन है, उम्मीद करते हैं वो आप लोग डाउनलोड कर लिए होंगे और इंस्टॉल भी कर लिए होंगे अपने पीसी में। अगर नहीं किए हैं तो आप लोग जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो लेटेस्ट वर्जन में कैसे हम लोग डाटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं। तो डाटाबेस कनेक्टिविटी क्या है, उसके बारे में उम्मीद करते हैं कि आपको पता होगा पहले से। अगर नहीं है तो आप पहले उसके बारे में जान लीजिए, देन इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, इसमें प्रैक्टिकली करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो अपाची नेटबीन्स आईडी का लेटेस्ट वर्जन, अपाची नेटबीन्स 17 और जो MySQL का लेटेस्ट वर्जन है 8.0.32, उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कैसे हम अपाची नेटबीन्स के थ्रू अपने MySQL डेटाबेस को मैनेज करते हैं। तो उसमें हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं कि कैसे कैसे मैनेज करते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग जो लेटेस्ट वर्जन है उसका कनेक्शन के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए हम लोग को क्या, तो कनेक्शन करने के लिए हम लोग को एक ड्राइवर का जरूरत पड़ने वाला है। तो ड्राइवर के थ्रू हम लोग दोनों एप्लीकेशन को कनेक्ट करते हैं, दोनों अलग अलग एप्लीकेशन है, तो कनेक्ट करने के लिए हमको एक ड्राइवर का जरूरत पड़ता है। तो जिसका नाम क्या है, MySQL JDBC ड्राइवर। तो इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या सर्च करेंगे, MySQL JDBC ड्राइवर। तो जैसे ही इसको सर्च करेंगे तो इसका जो वेबसाइट है वो हमको शो होने लगेगा ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन में। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो इसका जो ड्राइवर है उसका नाम क्या है, कनेक्टर जी ड्राइवर। तो इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं क्योंकि इसके थ्रू हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं, दो अलग अलग एप्लीकेशन है, इसको कनेक्ट करने के लिए हमको ड्राइवर का जरूरत पड़ने वाला है। तो जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो जो लेटेस्ट वर्जन है हमारा MySQL का, उसका ड्राइवर का भी लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे शो होने लगेगा। तो देख सकते हैं जो इसका लेटेस्ट वर्जन है 8.0.32 है, और जो मेरा एप्लीकेशन है वो भी सेम वर्जन का है। तो आप अगर लेटेस्ट वर्जन यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है, हम वीडियो पहले ही बना चुके हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा और उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो चलिए ड्राइवर हम लोग डाउनलोड करते हैं, देन इसके आगे का स्टेप देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट नहीं करेंगे ताकि हम लोग कोई पार्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं हो, मेरा जो एप्लीकेशन बनेगा वो डिपेंड नहीं हो, इसलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ से हम दो ऑप्शन हमको शो हो रहा है, दोनों से हम किसी को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम सेकंड वाले ऑप्शन पे को डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड बटन पे क्लिक कर दिए, देन यहाँ पे हम लोग को लॉग इन करने का जरूरत नहीं है, तो नो थैंक्स पे क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं कि जो मेरा डाउनलोड है वो स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। तो वेट कर लेते हैं थोड़ा देर, 4 MB का है तो वेट कर लेते हैं जब तक कि मेरा डाउनलोड नहीं हो जाता है। तो देख सकते हैं कि मेरा जो डाउनलोड है वो कंप्लीट हो गया है। तो चलिए डाउनलोड फोल्डर में हम लोग देखते हैं डाउनलोड हुआ कि नहीं। तो देख सकते हैं डाउनलोड हो गया, वो जिप फाइल है, तो जिप फाइल का हम लोग यूज नहीं करते हैं, इसको अनजिप कर लेते हैं। तो अनजिप करने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पे इंस्ट्रक्ट ऑल का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप विंडोज 11 यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन आ जा रहा है, यानी तो अगर शो मोड ऑप्शन कीजिएगा तो इस तरह से विंडोज 10 या 11 कोई भी आप यूज कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन उसमें शो हो रहा होगा, या तो एक्सट्रैक्ट हेयर कोई भी ऑप्शन आपको शो हो रहा हो तो इसमें से आप किसी पे भी क्लिक कीजिए, सेम काम होने वाला है। तो इसमें चलिए हम लोग क्लिक कर देते हैं एक्सट्रैक्ट हेयर पे। तो जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो जो मेरा ये एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट होने का मतलब क्या हुआ, तो जीप फाइल, तो इसका जो अनजीप फाइल है वो मेरा शो हो जाएगा यहाँ पे। देख सकते हैं एक नया फाइल मेरा बन के रेडी हो गया, यहाँ पे नया फोल्डर बन गया, इसके अंदर में जो भी फाइल्स है, मेरा जो जी फाइल में था वो अनजिप हो चुका है यहाँ पे। तो चलिए अब इसके थ्रू हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं। तो कैसे कनेक्ट करते हैं, आते हैं अपने नेटबीन्स आईडी में और देखते हैं। तो आ गए हम लोग अपने नेटबीन्स आईडी में, तो चलिए हम लोग अभी इसको रजिस्टर कर लेते हैं। तो रजिस्टर करने के लिए क्या करेंगे, आ जाएंगे अपने सर्विसेज मेनू में, यहाँ पे डाटाबेस सेलेक्ट करेंगे और न्यू कनेक्शन पे क्लिक करेंगे। तो आ गए हम लोग अपने नेटबीन्स आईडी में, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन करके देखेंगे और देखेंगे कि कैसे यहाँ से मैनेज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आ जाएंगे अपने सर्विसेज मेनू में, यहाँ पे आपको डाटाबेस का ऑप्शन शो होगा, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है।
न्यू कनेक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप लोग को सिलेक्ट करना है कि इसका जो कौन सा ड्राइवर हम लोग यूज करने वाले हैं। तो अभी जैसा कि हम लोग ड्राइवर कनेक्टर जे ड्राइवर डाउनलोड किए हैं, तो इसी को यूज करने वाले हैं, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके में शो नहीं हो रहा है तो न्यू ड्राइवर क्लिक करके आप सिंपली ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर शो हो रहा है तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए और ऐड बटन यहाँ पे शो हो रहा है इस पर क्लिक कर लेना है आपको। चलिए कर लेते हैं। उसके बाद आ जाएंगे अपने डाउनलोड वाले फोल्डर में जो हम डाउनलोड किए हुए थे, और यहाँ से हम लोग जो MySQL ड्राइवर है इसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही ओपन कीजिएगा तो इसका जो जार फाइल है ये आप शो होने लगेगा, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग और ओपन बटन पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और इसका जो यूजर नेम है बाय डिफॉल्ट रूट रहता है तो रूट रहने देंगे, और इसका जो पासवर्ड आप इंस्टॉल करते समय रखे होंगे MySQL का वो यहाँ पे आपको इंटर करना है। चलिए हम अपना इंटर कर देते हैं। उसके बाद टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करेंगे, तो अगर आपका पासवर्ड सही रहेगा तो कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा, अदरवाइज आपको एरर आएगा। तो अगर एरर आ रहा है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर यहाँ तक सही है तो आप सिंपल नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद फिनिश बटन पे क्लिक करके इसको फिनिश कर दीजिए। तो अब यहाँ से चाहे तो आप अपने MySQL को मैनेज भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इसमें जो भी डाटाबेसेस है यहाँ पर देख सकते हैं, जो डाटाबेस हम है उसको शो हो रहा है मेरा। तो चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं। या आप कोई भी डाटाबेस के साथ कुछ भी ऑपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। देख सकते हैं जो भी टेबल है आप यहाँ से कर सकते हैं, टेबल व्यू भी कर सकते हैं, जो भी इसका आईडी है या फिर इसमें हम क्या क्या कॉलम रखे हुए सब चीज यहाँ से कर सकते हैं। एडिट भी हम लोग कर सकते हैं। तो जो आप करना चाहते हैं ऑपरेशन MySQL डेटाबेस के साथ यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग वर्कबेंच में करते हैं। सेम ऑप्शन यहाँ पे आपको शो होने लगेगा, देख सकते हैं व्यू डाटा भी देखेंगे यहाँ पे डाटा मेरा शो होने लगेगा जो भी डाटा हम इसके अंदर रखे हुए थे। तो चलिए अब देखते हैं कि हम लोग कोडिंग के थ्रू इसको कैसे करेंगे। तो कोडिंग के थ्रू करने के लिए हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। तो न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करेंगे और जावा विथ एंड सेलेक्ट करेंगे एप्लीकेशन और नेक्स्ट बटन क्लिक करेंगे। यहाँ से हम लोग अपना प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे। तो चलिए डाटा डाटाबेस नेम दे देते हैं आप हम लोग और फिनिश बटन पे क्लिक करके इसको हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग को क्या करना होगा, तो लाइब्रेरी में जो चार फाइल हम लोग अभी डाउनलोड किए हुए थे ड्राइवर का उसको ऐड करना होगा। तो सिंपल लाइब्रेरी को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड जार पे क्लिक करेंगे और जो भी जार ड्राइवर था मेरा उसको ओपन कर लेंगे यहाँ पे। तो ओपन करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ जो ऐड हो गया है मेरा। अगर ऐड करने में आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो कमेंट कीजिए, अदरवाइज आप ऐड कीजिए और सिंपली अपने कोडिंग वाले पार्ट में आ जाइए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्लास डॉट फोर नेम का यूज करने वाले हैं और यहाँ पे हम लोग जो इसका क्लास का नाम है वो यहाँ पे हम लोग इंटर कर देंगे। तो आप लोग यहाँ से देख के इंटर कर लीजिए और इसको ड्राइवर कैच के अंदर में लिखना होता है। तो चलिए ड्राइवर कैच के अंदर में लिख लिए हम लोग। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कनेक्शन क्लास है तो इसका ऑब्जेक्ट हम लोग बनाएंगे। तो कनेक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं तो इसको इम्पोर्ट भी करना पड़ता है। तो चलिए मेरा इम्पोर्ट हो गया है यहाँ पे कनेक्शन java.sql.connection, इसको हम लोग यूज करने वाले हैं तो इसको इम्पोर्ट कर लिए हम लोग। और इसके बाद इसको कनेक्शन का एक हम ऑब्जेक्ट का नाम दे देंगे कुछ भी, इक्वल टू में ड्राइवर मैनेजर को हम लोग यूज करने वाले हैं। तो ड्राइवर मैनेजर का यूज करने वाले हैं तो इसको भी हम लोग चलिए इसको हटा देते हैं। जावा तो ड्राइवर मैनेजर का यूज करने वाले हैं तो इसको भी इंपोर्ट करना होगा। तो चलिए इंपोर्ट नहीं किया तो चलिए इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, इंपोर्ट java.sql.driver-manager। चलिए ड्राइवर मैनेजर को भी हम लोग इंपोर्ट कर लिए। देन ड्राइवर मैनेजर को जैसे इंपोर्ट करेंगे डॉट गेट कनेक्शन को कॉल कर लेंगे। डॉट गेट कनेक्शन ड्राइवर क्लास का एक मेथड है। तो इसमें क्या करेंगे, इसका यूआरएल हम लोग पास कर देंगे। तो यूआरएल हम कहाँ से लेंगे, आ जाएंगे अपने सर्विसेज वाले में
और जो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट किए हुए थे, देखिए जैसे ऐड करेंगे तो ये ऑप्शन आपको शो होने लगेगा। राइट क्लिक करेंगे, इसके प्रॉपर्टीज में आएंगे तो देखिए यहाँ पे डाटाबेस का यूआरएल शो हो रहा है, तो एक ऑप्शन यहाँ से कॉपी कर लीजिए आप इसको। चलिए क्लोज बटन पे क्लिक करते हैं उसको कॉपी करने के बाद, और यहाँ पे हम लोग सिंपल पेस्ट कर देंगे उसको जो अभी कॉपी किए हुए थे, और इसको हटा देते हैं। यहाँ जो आपको MySQL शो हो रहा होगा तो MySQL तक रहने देंगे। तो MySQL जहाँ पे है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपने डाटाबेस का नाम दे देंगे। तो कोई भी आप इसमें से जो डाटाबेस आपको शो हो रहा है या फिर आप जो भी डाटाबेस क्रिएट किए हुए हैं इसमें से कोई भी डाटाबेस का नाम दे दीजिए, जो भी डाटाबेस आपको नाम दे दीजिए वो। अब हम चलिए कॉलेज को यूज कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे MySQL की जगह पे कॉलेज दे देंगे, देन सेमीकोलन दे देंगे। तो यहाँ पे एरर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि इसका जो कैच है वो ऐड नहीं किया, इसको भी ट्राई और कैच के अंदर में लिखना पड़ता है। इतना करने के बाद आपका जो डाटाबेस है वो कनेक्ट हो जाएगा आपके नेटबीन्स आईडी से। तो कनेक्शन आईडी हम लोग चलिए यहाँ पे प्रिंट करके देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। तो इसके लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का यूज करेंगे, और यहाँ पे हम लोग कनेक्शन ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर देंगे। तो चलिए रन करते हैं, तो देख सकते हैं अभी एरर आ गया, देख लेते हैं क्या एरर है। तो चलिए यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है कि हम लोग जो यहाँ पे डाटाबेस का नाम दिए हैं तो इसके बाद हम लोग को डाटाबेस का जो यूजर नेम है वो भी देना होता है। तो यूजर नेम हम लोग क्या दे देंगे, इसका जो यूजर रूट है तो रूट दे देंगे, उसके बाद इसका जो पासवर्ड है वो भी हम लोग पास करना होता है। तो चलिए पासवर्ड हम पास किए नहीं थे तो इसलिए एरर दे रहा था, तो पासवर्ड हम लोग पास कर दिए। तो चलिए अब रन करके देखते हैं, तो अब कनेक्शन आईडी मेरा शो होने लगा। तो यहाँ पे आईडी और पासवर्ड भी हम लोग को पास करना होता तो वो नहीं किए थे इसलिए एरर आ रहा था। तो देख सकते हैं कि जो मेरा आईडी पासवर्ड है उसके साथ कनेक्शन हो गया और जो मेरा कनेक्शन आईडी है वो भी यहाँ पे शो होने लगा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगर हम कोई इस तरह का वीडियो बनाएं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है कनेक्शन करने में या फिर आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो हमको कमेंट कीजिए, उसका हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे, अगर होगा तो हम वीडियो भी उस पर जरूर बनाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।